नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। गंगानगर से चीफ ब्यूरो सुनील कुमार, सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की जनसंवाद यात्रा को लेकर गुरविंदर कौर व सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज सिंह संधू से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी। लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं। आज हम मौजूद हैं शादुलसर जो विधानसभा है, वहाँ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर अपने पैर पसार रही है, जन यात्रा को लेकर आज बातचीत की जाएगी। किस प्रकार जनता को सोहित की जा रही है और कितनी भीड़ जुटा पा रही है मैडम गुरविंदर कौर? लगातार जनसंपर्क जारी है, डोर टू डोर जनता के बीच में जा रहे हैं और विधानसभा से तार ठोक रखी है अपनी। मैडम, सबसे पहले तो चैनल के अंदर स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैडम, सबसे पहले थोड़ा अपना परिचय बताइए। मैं गुरविंदर कौर बराड़, धर्मपत्नी स्वर्गवासी सरदार गुरप्रीत सिंह बराड़, चक शोभा सिंह वालडाणी, आम आदमी पार्टी से संयुक्त जिला सचिव श्री गंगानगर। तो मैडम, इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आज? इस जनसवाद यात्रा नू लेके मैं यही कहना चाहनी है कि जो पंजाब बदलिया, दिल्ली बदली है, हूँ राजस्थान की वारी है। हूँ राजस्थान से बहुत बड़ा बदलाव आऊगा, अज इतने बहुत बड़ा इकट्ठ होने वाला है, तुसी आप थोड़ी देर नू देखोगे सारे। तो मैडम, बात करते हैं मुख्य अतिथि कौन कौन आ रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी, महासचिव विश्वेंद्र चौधरी, महिला विंग की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई, पंजाब के MLA बलुआना से अमनदीप मुसाफिर गोल्डी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। मैडम, बात करें इस यात्रा की, यात्रा के अंदर काफ़ी गरीब लोग भी आ रहे हैं, उनको क्या समझौत की जा रही है? आम आदमी पार्टी क्या क्या सुविधा दे रही है? उनको बिजली, शिक्षा, पानी सब सहूलत दे रही है। जो भी गरीब आएंगे, उनकी जो भी उनकी समस्याएँ होंगी, हम आम आदमी पार्टी के ग्राउंड, जो भी आम आदमी पार्टी है वो ग्राउंड लेवल की पार्टी है और हर वर्ग की पार्टी है। मैडम, बात करें इस प्रोग्राम की, यात्रा को लेकर कितने टाइम तक ये प्रोग्राम चलेगा? कितने टाइम तक मतलब गरीब लोगों को समझौत की जाएगी, जितनी जनता आ रही है दूर दराज से? 2 से 4 बजे तक प्रोग्राम है और स्टार्टिंग हमारी यहाँ 10 बजे शुरू हो गई थी और एंड तक जितने तक प्रोग्राम चलेगा उन तक उसी टाइम तक गरीबों को सहूलत दी जाएगी। हमारे साथ संधु साहब भी जुड़ चुके हैं लाइव वर्जन में। संधु साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर आपकी? सर, ये यात्रा ही लोगों को जो गारंटियां दी हैं केजरीवाल साहब ने, जैसे बाकी पार्टियां झंसे देती हैं या जुमले देती हैं, वो चीज़ नहीं। जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों के बारे में लोगों को घर घर बताया जाएगा। उसी प्रचार चलते हुए, उसी के चक्कर में ये सारा सिस्टम जो सभा रखी गई है कि गारंटियों के बारे में लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा। तो संधु साहब, बात करें जैसे देखा है पार्टियाँ तो काफ़ी है, कांग्रेस है, BJP है, कामरेड है, काफ़ी है, तो इस बार देखिए धरातल पर हमें ग्राउंड पे जाके देखा है तो आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे आ रही है, क्योंकि जनता भी इन 2-3 पार्टियों से परेशान हो रखी है, कुछ नया देखना चाहती है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बाकी जो पार्टियां हैं जी, उनकी मिली भगत है सारी, वो पारिवारिक जो बोलते हैं राजनीति वो करते हैं। आम आदमी पार्टी में वो चीज़ नहीं है, सामान्य लोगों को, आम घरों के लड़के लड़कियों को आगे लाया जाता है, जो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। और जो गरीब परिवार से या सामान्य परिवार से आएगा वही गरीब और सामान्य की समस्या समझ सकता है। जो आज दिल्ली या पहाड़ी स्कूलों में पढ़ के वो गरीब की समस्या नहीं सोच देख सकते। संधु साहब, इस यात्रा को लेकर कितनी भीड़ आज जुटा पाओगे, कितने लोग आ रहे हैं दूर दराज से? देखो जी, जो पार्टी ने हमें ये कार्यक्रम दिया है इसमें टाइम हमारे पास बहुत कम था, जो उन्होंने 4-5 दिन का दिया है, फिर भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है लोगों में, जैसे ही कोई फ़ोन से या जैसे भी मिला गया, हमने मिलके अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है। कुछ बीच में रामदेवरा मेला चल रहा है, इस चक्कर में फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 आदमी की भीड़ इकट्ठी कर देंगे। सर, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कितनी का आपने यात्रा करवा दी सर आम आदमी पार्टी की? पहली यात्रा है, इससे पहले भी 2-4-5 प्रोग्राम हो गए? इससे पहले एक गंगानगर में जो बहुत बड़ी रैली हुई थी, केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब आए थे, जिससे गलोत सरकार तक, मोदी तक यानी कि हिल गया था सिस्टम। भी पहली बार गंगानगर में इतनी भीड़ हुई है रामलीला ग्राउंड में। बाकी हमारा जो प्रचार है वो घर घर तक हम लोगों से पहुंचते हैं, जैसे कहीं किसी को कोई जुमला नहीं दिया जाता, जो बात है जिस बात पे हम खरे उतर सकते हैं वही लोगों से वादे किए जाते हैं, और लोगों की समस्या जो इन्होंने पहले नहीं किया काम
वो समस्या सुन के उनके काम हम अभी से कर रहे हैं। सर बात करें आम आदमी पार्टी की, सरकार की क्या क्या सुविधा वो सरकार गरीब जनता तक पहुंच पाएगी या कागजों में सिमट जाएगी धरातल पर? नहीं जी, ये फिर बाकी पार्टियों और आम आदमी पार्टी में क्या चीज़ का फर्क रहा? यही तो चीज़ लोगों को बतानी है कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की कभी, क्योंकि कोई पढ़ेगा गरीब का बच्चा तो वो अपने हक मांगेगा, उनको जागरूक नहीं करना चाहती हैं बाकी पार्टियां। जो पहले शिक्षा, बिजली, जो चीज़ें आम आदमी की पहली ज़रूरत है उन पे सारी पे जैसे दिल्ली में पंजाब में काम हो रहे हैं उसी तरीके से काम होगा। जो कि मैं बता दूं आपको, पंजाब में अमृतसर में दिल्ली की तर्ज पे अमृतसर में पहले स्कूल का उद्घाटन केजरीवाल साहब कर चुके हैं 2 दिन पहले। क्या लगता है मैडम, लगातार डोर टू डोर कितने टाइम से प्रयास कर रही है, सर्वे भी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा आपको रुझान मिल रहा है? देखो रुझान बहुत बढ़िया मिल रहा है जी, जैसे गांवों में जाते हैं या कहीं जाके सभा करते हैं वहाँ लोगों का बहुत प्यार मिलता है। दोनों पार्टियों से परेशान है, लोगों की खुद की वर्ल्डिंग है कि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, इन्होंने 5-5 साल बांटे हुए हैं कि इस 5 साल आप राज कर लेना अगले साल हम कर लेंगे, इस साल आप 5 साल लोगों को मूर्ख बना लो अगले साल हम बना लेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हो आंटी? आज प्रोग्राम है, सम्मेलन है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। हाँ जी।